कसरौद विधानसभा के बेहद रोमांचक मुकाबले में सचिन यादव ने अपने प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के आत्माराम पटेल को क्लीन बोल्ड कर अपनी जीत की हैट्रिक पूरी की है। काउंटिंग में आत्माराम पटेल ने शुरू से ही बढ़त बनाए रखी थी, लेकिन आखिरी राउंड आते आते सचिन यादव ने 5372 मतों से अपनी जीत दर्ज कर इंतजार कर रहे कार्यकर्ताओं को जश्न मनाने का मौका दिया है। अपने कार्यकर्ताओं के बीच आभार यात्रा लेकर बोरावा से कसरावत पहुंचे अरुण यादव और सचिन यादव का कार्यकर्ता एवं जनता ने जोरदार स्वागत किया। कसरावत नए बस स्टैंड से विश्वास जिनिंग तक हजारों कार्यकर्ता डीजे की धुन पर नाचते झूमते जा रहे थे। ओपन जीप में अरुण यादव एवं सचिन यादव के साथ कसरावत नगर परिषद प्रतिनिधि राजेंद्र सिंह यादव एवं सभी कांग्रेसी पार्षदों ने भी जनता का आभार माना एवं अभिनंदन स्वीकार किया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए नव निर्वाचित विधायक सचिन यादव ने कहा कि कसरावत विधानसभा मेरा परिवार है। यहाँ मेरा केवल राजनीतिक संबंध नहीं बल्कि मैं हर सुख दुख में सभी के साथ खड़ा रहता हूँ और क्षेत्र के लिए निरंतर विकास किया है और विकास करता रहूंगा। साथ ही सचिन यादव ने अपने बड़े भाई अरुण यादव का भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके अनुभव का हमें लाभ मिला। उन्होंने लगातार क्षेत्र का दौरा किया एवं हमें निर्देशित किया। अरुण यादव से जब पूछा गया कि इस जीत के बाद पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपने वाली है तो अरुण यादव ने कहा कि मैं कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और आला कमान जो भी निर्देश देगा मैं उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हूं। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश की जनता के जनादेश को हम स्वीकार करते हैं और विशेष तौर से कसरावत क्षेत्र के मतदाता भाइयों का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं। एक पारिवारिक रिश्ता पिछले 40 सालों से कसरावत क्षेत्र की जनता से हमारा और परिवार का रहा है और जनता ने भी अभूतपूर्व प्यार स्नेह आशीर्वाद सदैव हमारे परिवार को दिया है। मैं दिल से कसरावत के साथियों का आभार करता हूं। उनका आशीर्वाद सचिन को मिला और तीसरी बार विधायक बनने का अवसर मिला। मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी और वरिष्ठ नेताओं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, माननीय राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी और तमाम वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा। हमको सफलता नहीं मिली। जो जनता ने जनादेश दिया उसको हम सर माथे पर रखते हैं और संघर्ष जारी रहेगा। मध्य प्रदेश की विकास के लिए कांग्रेस पार्टी सदैव संघर्ष करती रहेगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद हमें ज़रूर आगे मिलता रहेगा। मैं तो पहले से ही कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और जो जिम्मेदारी मुझे पार्टी ने पहले दी है आगे भी देगी, उसको मैं सर माथे पर रखकर काम करूंगा। भैया कल जो मतदान चल रहा था किसी रोमांचक मैच की तरह था, लेकिन उसके बाद भी जो कार्यकर्ता है उन्होंने उनकी जो उमंग है उसको देखकर कभी भी उन्होंने विश्वास नहीं खोया, आपको क्या लग रहा था? देखिए, हम सब लोग जिस प्रकार से पूरे 5 साल या मैं कहूँगा पूरे 10 साल जो हमने और हमारे साथियों ने जो जनता की सेवा करने का काम किया और जनता के हर सुख दुख में हम और हमारे साथी हमेशा उपलब्ध रहे हैं और हमारी जो कोशिश रही, हमारा प्रयास रहा है कि हमारा कसरावत विधानसभा का विकास हो, उन्नति हो, तरक्की हो, हमारा हमारे क्षेत्र के लोगों में लोग खुश रहें, खुशहाली आए हमारे लोगों के चेहरे पर, और वही कोशिश वो प्रयास है। और मैं हमेशा हमारा ये कहना है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कसरावत विधानसभा मेरा परिवार है। यहाँ हमारे कोई क्षेत्र के लोगों से कोई राजनीतिक संबंध या वोट का संबंध नहीं है, ये एक परिवार का रिश्ता है, पारिवारिक का संबंध है हमारा और ये रिश्ता लगभग 40 साल पुराना हमारा संबंध है। और हमें पूर्ण विश्वास था, भरोसा था, हमको जनता पर भरोसा था, जनता को हम पर भरोसा है
और उसी का परिणाम है कि तीसरी बार भी जनता ने हमारे क्षेत्र के सब मतदाता साथियों ने, माता बहनों ने हम पर विश्वास व्यक्त किया, भरोसा व्यक्त किया और अपना नेतृत्व करने का तीसरी बार मुझे मौका और अवसर। निश्चित ही आपने बताया कि ये मेरा परिवार है, लेकिन इस बार के चुनाव में बहुत सारे बड़े नेता और अपने घरों से भी हारे हैं, लेकिन इस बार जो आपने इतनी बड़ी जीत हासिल की है, इसमें अरुण यादव का क्या कद बढ़ता है? नहीं देखिए, निश्चित रूप से हम सब कार्यकर्ता साथी, हमारे कांग्रेस परिवार, कसरावद विधानसभा के कांग्रेस परिवार के सभी साथी, हमारे नेता आदरणीय और मेरे बड़े भाई आदरणीय अरुण यादव जी के हम सब बहुत आभारी हैं, जिन्होंने पूरा समय जो है यहाँ पर कसाव विधानसभा में दिया, यहाँ का मोर्चा संभाला और पूरा जो चुनाव का मैनेजमेंट था वो मैनेजमेंट भी उन्होंने अपने हाथों में ले रखा था। और निश्चित रूप से उनके कद के जो नेता हैं, वो जो जिस कद जितना बड़ा उनका कद है, उस हिसाब से जो उनने यहाँ पर हम सबके लिए हमारा सबका मार्गदर्शन करने का काम किया, हम सबका हौसला अफजाई करने का काम किया, निश्चित रूप से उसका लाभ, उसका फायदा हम सभी साथियों को यहाँ पर मिला है। निश्चित ही आज जश्न का माहौल है, इसलिए सिर्फ यही पूछेंगे कि कसरावद की जनता के लिए क्या संदेश है? मैं सबसे पहले तो पूरे मेरे कसरावद के समस्त माता बहनों को, मतदाता साथियों को, मैं अपनी तरफ से, अपने तमाम साथियों की तरफ से उनका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ, उनका आभार हम सब साथी मिलकर के व्यक्त करते हैं। और जो भरोसा और जो विश्वास उनने हम पर, हमारे साथियों पर व्यक्त किया है, हम उस भरोसे पर, विश्वास पर कायम होने का काम जो है आगामी 5 सालों में है करेंगे और हमारे कसावा विधानसभा क्षेत्र की उन्नति और तरक्की में किसी प्रकार की कोई कसर हम लोग और हमारे साथी नहीं छोड़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।